एबे आसिले समस्ते निज निज स्थान ग्रहण करनियंतु एवं निज जागा रे समस्ते बसी जांतु केठिया हेबेनी समस्ते बसी जांतु छात्र छात्राओं की ओर से आदर अभिनंदन आभार नमस्कार जोहार। आदरणीय यहाँ उपस्थित मुख्य अतिथि माननीय श्री ओम बिरला जी, लोकसभा अध्यक्ष एवं अन्य अतिथिगण का सभी का किसके प्रांगण में हम स्वागत व हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हम आपके आभारी हैं कि छात्रों के आह्वान पर आप सहज ही हमारे विश्वविद्यालय में पधारे हैं। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस की स्थापना प्रोफेसर डॉक्टर अच्युत समंता सर द्वारा समाज के वंचित आदिवासी वर्ग को उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से हुई। यह पहल किस आदिवासी स्कूल की सफलता के पश्चात संभव हुई, जिसकी शुरुआत भुवनेश्वर में एक किराए के घर में केवल 125 आदिवासी विद्यार्थियों के साथ हुई थी। समय के साथ यह संस्थान दुनिया का पहला विशिष्ट आदिवासी संस्थान बन गया है, जहां 40,000 से अधिक छात्र छात्राओं को सभी सुविधाओं सहित निशुल्क आवास, भोजन और अत्याधुनिक तकनीकी सुविधाओं से युक्त स्वतंत्र परिसर प्रदान किया जाता है। यह संस्थान ओडिशा के साथ अन्य राज्यों जैसे झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, छत्तीसगढ़ आदि दूरस्थ क्षेत्रों में गरीबी, अज्ञानता और निरक्षरता को प्रभावी ढंग से कम करने में अपना योगदान देते आया है। इसने नक्सल प्रभावित क्षेत्र के आदिवासी को आतंक प्रभाव से मुक्त करने में अपनी मदद की है। यहाँ आने वाले विद्यार्थी अपने अंधकार में भविष्य को शिक्षा की रोशनी में बदलते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में यहाँ के विद्यार्थी सफलता हासिल कर रहे हैं। इन शानदार परिणाम फलस्वरूप आज की संस्थान ने विश्वविद्यालय तक का सफर तय कर लिया है। इनकी स्थापना 25 अगस्त 2017 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त डी नोवो वर्ग के मानद विश्वविद्यालय के रूप में हुई। आज के इस शुभारंभ को आगे बढ़ाने के लिए हमारे आदरणीय अतिथियों का स्वागत किस के प्रतिभाशाली छात्रगण की एक पारंपरिक स्वागत गीत प्रस्तुत करेंगे।
धन्यवाद। अब हम आमंत्रित करना चाहूंगी संस्था के महान संस्थापक माननीय प्रोफेसर डॉक्टर अच्युता समानता जी का। पिला माने केमती अछ? बर्षा रे टिके ओदा हला, भगवान आशीर्वाद कर देई गले। बच्चे लोग ज्यादा समय नहीं है, हम लोग थोड़ा लेट में चल रहे हैं। हमारे माननीय वाचस्पति महोदय का मेन फंक्शन कीट ऑडिटोरियम में है, जहां पर 1500 एलीट ग्रुप कटक भुवनेश्वर से वेट कर रहे हैं। 5 बजे है। तो बच्चे लोग, यहां पर हम लोग आज बहुत खुश है, आनंद है, गर्व है। सब दिन के लिए इतिहास सृष्टि किए। 21 में स्वर्णाखेर में हम लोग का लोकसभा का माननीय अध्यक्ष महोदय माननीय ओम बिरला जी मंचासीन हुए हैं मुख्य अतिथि हिसाब से। एक गौरव का बात है, लोकसभा का वाचस्पति द्वितीय बार किस को आए हैं स्वर्णाखेर में, लेके जाएगा किसका स्वर्णाखेर में। कोई लोकसभा का वाचस्पति 2 बार आए हैं, और सबसे बड़ा स्वर्णाखेर में रहेगा हम लोग का माननीय वाचस्पति ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली माननीय सुरमा पाड़ी महोदय उपस्थित है मंच में। लोकसभा वाचस्पति ओडिशा का वाचस्पति एक साथ किट किस कैंपस में पधारेंगे। ये स्वर्णाखेर में रह के पहले बार हो रहा है, किट किस को 33 साल हो गया, और हम लोग बहुत खुश है। हम लोग के साथ पधारे हैं बलांगीर का राजा, ओडिशा का माननीयवर उप मुख्यमंत्री डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, किट किस का सुख दुख का साथी सम्मानस्पद कनक वर्धन सिंहदेव। यहाँ 5000 बलांगीर जिला का बच्चे बैठे हैं, जोर से ताली देके राजा साहब को कनक वर्धन सिंहदेव को स्वागत करो। ओनली बलांगीर का बच्चे। और भी हम लोग बहुत खुश है, हम लोग का बीच में पधारे हैं माननीय मंत्री अन्यतम अतिथि श्री पृथ्वीराज हरिचंदन जी, जो उसका बाद बच्चे लोग हम लोग आज खुश है। हम लोग का हर्ता करता दही विदाता जो तुम लोग का बात को सब दिन संसद में पहुंचाएंगे, सुख दुख का साथी है। पहले बार 40,000 बच्चे को देख के अचंभित हो रहे हैं, और कोई नहीं है भुवनेश्वर का माननीय सांसद अपराजिता षडंगी मैडम के लिए जोर से पहले बार वो देख रहे हैं। ये प्रैक्टिकली ये विश्व का अचंभित है, 8th wonder ऑफ द वर्ल्ड, ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड, सारा दुनिया का आदमी बोलते हैं। माननीय श्रीमती अपराजिता षडंगी महोदया लोकसभा सांसद भुवनेश्वर सेकंड टाइम मंचासीन है, और हम लोग बहुत खुश है जो हम लोग के साथ यहाँ पधारे हैं भाई फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इक्वेडर, प्रोडक्ट ऑफ हार्वर्ड, ग्रेट मैन एंड एवरीथिंग, रेस्पेक्टेड मिस्टर ऑटो रमन एंड ऑल्सो रेस्पेक्टेड मैडम क्लाउडिया। तो ये दोनों भी उपस्थित है। उसका साथ बच्चे लोग 1991 में जो चाणक्य के लिए फेमस हुए थे, ग्रेट डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर, एक्टर, चाणक्य का मेन रोल, वो आर कोई नहीं है बच्चे लोग, आप लोग का प्रिय स्टार पद्मश्री डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी भी उपस्थित है। बच्चे लोग एक सीनियर एडवोकेट, किट किसका दुख का साथी, किट विश्वविद्यालय का कुलाधिपति सम्मानस्पद एडवोकेट अशोक परिजा जी भी मंच में बैठे हैं, किस विश्वविद्यालय के कुलपति बैठे हैं माननीय ओम बिरला जी का साथ आए ऑल ऑफिसर, झा जी से लेकर जितना ऑफिसर है सबका साथ जो सब लोग आए हैं, सब निमंत्रित अतिथि। मैं किसका नाम नहीं ले रहा हूँ, इसलिए बारिश वेट कर रहा है हम लोग को। एक बार और एक बार मैं माननीय वाचस्पति महोदय को बहुत 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 दिल से मैं आभार व्यक्त करता हूँ, स्वागत करता हूँ। सर, आपका सामने मैं नतमस्तक हूँ। आपका क्या प्यार है, आप प्यार दिखाए थे,
बच्चे लोग तुम लोग देखे हो टीवी में, संसद में माननीय वाचस्पति बार बार किसको प्रशंसा किए हैं, बहुत सांसद किस में प्रशंसा किए, मैं नहीं देखा इंडिया में कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट को पार्लियामेंट संसद में लोकसभा में इरेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी प्रशंसा करते हुए वाचस्पति प्रशंसा को डुबा दिए हैं। इसलिए मैं नतमस्तक हूँ वाचस्पति महोदय को। और ये जो इतिहास सृष्टि है, ये इतिहास के बारे में समय नहीं है, सब लोग एक एक शब्द बोलेंगे भी तब भी बहुत समय हो जाएगा। मेरा बहुत कुछ बोलना था लेकिन क्या करे, मैं टाइम मैनेजमेंट करता हूँ। मैं इतना ही बोलूंगा, माननीय वाचस्पति का पास मैं नमन करता हूँ, सिर झुकाता हूँ। आपका जो इतना प्यार भरा हाथ एंड आशीर्वाद किसका ऊपर है, मेरा ऊपर है, इसे ये लगा रहेगा। मैं समर्पित जीवन यापन करता हूँ। गरीब घर से आने के बाद गरीब का सेवा करता हूँ, 33 साल हो गया। 80,000 गरीब आदिवासी बच्चे को देखभाल कर चुका हूँ, 40,000 पास कर चुके हैं, 40,000 ये मेरे जो समर्पित जीवन करता हूँ आम आदमी के लिए, समाज के लिए, आपका आशीर्वाद कामना करता हूँ। और मैं ज्यादा नहीं बोलता हूँ, माननीय वाचस्पति महोदय, उड़ीसा उप मुख्यमंत्री डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर कनक वर्धन सिंह देव, अन्यतम मंत्री अतिथि पृथ्वी हरचंदन जी, माननीय सांसद और हम लोग का उप वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम द इक्वेडर एंड ऑल्सो डॉक्टर चंद्रप्रकाश जी, सबको मैं स्वागत करता हूँ। सबके लिए मैं बहुत कुछ रखा था बोलने के लिए लेकिन टाइम नहीं है, मेन फंक्शन हम लोग का वहाँ पर है। इसलिए मैंने खेमा मांगता हूँ सबका बारे में, बहुत अच्छा से ऑर्नामेंटल करके मैं स्वागत करने के लिए रखा था लेकिन समय का घोर अभाव हो गया। मैं झा जी को बोल रहा हूँ जे सार को जल्दी निकल लाइए, सार इतना एंजॉय करेंगे जीवन भर के लिए याद रहेगा, ऐसे मुहूर्त ऐसे कहीं पर नहीं है। मैं भी 7 कंट्री घूमा हूँ, क्या है बच्चे लोग, ये जो सेवा किस एक सेवा है, ये शोबाजी नहीं है, एक सेवा है। और ये जो दोनों एंकरिंग कर रहे हैं, देखिए ये झारखंड का आदिवासी लड़कियां पीजी कर रहे हैं, दोनों झारखंड का आदिवासी लड़कियां है, यहाँ 15 राज्य का आदिवासी लड़का लड़की पढ़ते हैं। अरे जो है बच्चे लोग, लास्टली माननीय लोकसभा अध्यक्ष इतना प्यार हम लोग को दिए, मैं जब ऐसे बोले 15 दिन नीचे, सर हर एक बार प्रोग्राम आपका होगा, बहुत अच्छा होगा, चलो करते ओडिशा में, सब लोग ताजुब होगिए, कभी कभी संभव नहीं है। दिवाली आगे है, दिवाली का शुभेच्छा 40,000 बच्चे का तरफ से मैं ज्ञापन करता हूँ। दिवाली 2 दिन का बाद है, राजस्थान में सबसे बड़ा दिवाली दिल्ली में, बिल्कुल नहीं आएंगे। कितना प्यार है माननीय वाचस्पति जी का, आए हैं, आप लोग को आशीर्वाद दिए हैं। मैं आशा व्यक्त करता हूँ माननीय वाचस्पति का आशीर्वाद जितना दिन मैं जिंदा हूँ वो जिंदा है, लगे रहेगा किसका ऊपर। इसलिए हम लोग 40,000 बच्चे माननीय वाचस्पति जी का हेल्थ एंड लॉन्ग लीव आशा करके स्टैंडिंग ओवेशन देंगे विथ ए बिग क्लैपिंग। थैंक यू वेरी मच। पिला मैंने जोरे कोड़ताली दिया हेला नहीं, हम लोग मिनिमम इतने ही दे पाएंगे और कुछ दे नहीं पाएंगे। धन्यवाद, नमस्ते। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री ओम बिरला, ऑनरेबल स्पीकर ऑफ लोकसभा न्यू दिल्ली। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। मेरे
भारत के भविष्य निर्माता विकसित भारत श्रेष्ठ भारत बनाने में योगदान देकर इस भारत को प्रगति पर ले जाने वाले मेरे सभी भविष्य के नौजवानों आपको जय जोहार। आज मैं देख रहा हूं दूर दराज आदिवासी इलाका जहां जीवन में चुनौतियां हैं संघर्ष है जीवन जीने के लिए संघर्ष और चुनौतियों का रोज सामना करना पड़ता है लेकिन आज मेरे सामने जो नौजवान विद्यार्थी बैठे हैं वो उस इलाके के अंदर नई रोशनी लेकर आएंगे नई उमंग लेकर आएंगे नया उजाला लेकर आएंगे और उस आदिवासी इलाके के अंदर भी एक नई रोशनी लेकर आएंगे क्योंकि आप वो दीपक हैं जो आने वाले समय में रोशनी करने वाले हैं जो आने वाले समय में उन आदिवासी इलाकों के अंदर एक नए भारत का उजाला करने वाले हैं और मुझे आशा है जो आप में शिक्षा मिली है जो आप में संस्कार है जो आप में अनुशासन है जो कठिन परिश्रम और आत्मविश्वास करने की आपकी अद्भुत क्षमता है ये नए भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का विश्वास भरोसा है तो भारत की जनता का आप जैसे नौजवानों पर है। मैं इस कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस और इस परिवार के संस्थापक प्रोफेसर अच्युतानंद सामंत जी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने अपना सारा जीवन समर्पण कर दिया शिक्षा के लिए समर्पण ताकि शिक्षा के माध्यम से हम एक ऐसे समाज का निर्माण करें जो आत्मविश्वास हो आत्मविश्वासी हो और जिसके माध्यम से हम समाज में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन कर सकें और इसीलिए हम सब पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हम सब एक कठिन जीवन जीते हुए हमारे माता पिता ने आज भी कठिन जीवन जी रहे हैं और पहले भी कठिन जीवन जिया था लेकिन उनको एक आशा थी एक आशा की किरण थी कि मेरा बेटा बेटी अब कलिंगा इंस्टीट्यूट परिवार में शिक्षा प्राप्त करने गया है मेरे घर में तो उजाला करेगा लेकिन इस समाज में उजाला करेगा इस भारत में उजाला करेगा और इस भारत को विश्व में सबसे आगे ले जाएगा और आज दुनिया में हमारी सबसे बड़ी ताकत है तो आप लोग हो आज भारत की जनता का विश्वास भरोसा है तो आप पर है आज भारत को नए लक्ष्यों पर ले जाने का विश्वास भरोसा है तो आप पर है भारत को विकसित भारत बनाने का सपना पूरा करने का विश्वास भरोसा है तो आप पर है और इसीलिए आप पर बहुत जिम्मेदारी है
और इस जिम्मेदारी को निभाने का सामर्थ्य, शक्ति, आत्मविश्वास, जुनून मैं आपकी आंखों में देख रहा हूं। ये भारत का नौजवान जिसमें आत्मविश्वास है, नई सोच है, नया चिंतन है, नई दृष्टि है, नया आत्मविश्वास है, वही दुनिया के अंदर भारत के यश और गौरव को पहचाएगा, उसके प्रखंड परचम को लहराएगा, तो वह आप युवा शक्ति हो। और इसीलिए मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। मेरी छोटी छोटी बच्चियों को मैं देख रहा हूं, छोटे छोटे नौजवानों को देख रहा हूं, शिक्षा के साथ उनके जीवन में कठिन परिश्रम, साहस और आत्मविश्वास है। और ये कठिन परिश्रम, ये आत्मविश्वास, ये धैर्य, ये साहस निश्चित रूप से आपको भी आगे लेके जाएगा, इस भारत को भी आगे लेके जाएगा। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। दिवाली की तरह आप अपने समाज में, इस देश के अंदर नया उजाला करें, नई रोशनी करें, और हर व्यक्ति जो अंधेरे में बैठा है अपने प्रकाश से उसके जीवन में नई रोशनी करने का काम करें। आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। बच्चे लोग, मैं सबसे क्षमा प्रार्थना करता हूं जे आर किसी को बोलने के लिए सुजोग हम लोग दे नहीं पा रहे हैं। डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी जी से चाणक्य का बहुत डायलॉग सुनने के लिए बच्चे लोग इच्छुक थे, लेकिन क्या करें, समय का घोर अभाव। मैं सबसे क्षमा प्रार्थना करता हूं। और ये सब आप लोग यहीं से है। और एक बार मैं माननीय सांसद महोदया, माननीय वाचस्पति महोदया एंड कनक वर्धन सिंहदेव जी, प्रदया चंदन जी, सबको और एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, आएंगे, बच्चे लोग को देखेंगे, एड्रेस करेंगे। अभी के लिए सभा हम लोग भंग करते हैं। हम लोग का नेक्स्ट मीटिंग कीट में है, वहां जा रहे हैं, मुझे क्षमा कर देंगे। आई शुड बी एक्सक्यूज बाय मिस्टर ऑटो, वाइस प्रेसिडेंट इक्वेडर, बिकॉज ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम वी विल प्रोसीड टू द सेकेंड मीटिंग, देयर यू कैन स्पीक। थैंक यू वेरी मच।